हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। सेल की तरफ से ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी OCTT की जो वैकेंसी आई हुई थी उसका काफ़ी स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि इसका एग्ज़ाम्स कब होगा। मैंने पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दिया था कि इसका एग्ज़ाम मई मंथ में होगा, तो अब ऑफिशियल अपडेट आ चुका है, साथ में इसका एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम्स किस डेट को होंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इस प्रकार की अपडेट्स हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। OCTT की जो वैकेंसी आई थी, लगभग सभी प्लांट को मिलाकर वैकेंसी आई थी। यहाँ पर आप इसके सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको करियर सेक्शन पेज में यहाँ पर अपडेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है सेल क्लिक टू डाउनलोड कॉल लेटर फॉर CBT फॉर द पोस्ट ऑफ ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी इन वेरियस प्लांट, और जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर था 01/2024 और ये वैकेंसी आई हुई थी 22 फरवरी को। चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, और यहीं से आप लोग अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यहाँ पर देख सकते हैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर डालना है, इसके बाद मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर डालना है या फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि इसमें रोल नंबर कहाँ से मिलेगा हमको, यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको इसके बारे में भी डिटेल में दिया गया है, ठीक है। और आप जो अपना एडमिट कार्ड है वो कब से कब तक डाउनलोड कर सकते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि 25 अप्रैल से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि कल की डेट में इनकी ऑफिशियल साइट पर अपडेट आया है और जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की क्लोजर डेट है वो 17 मई तक आप इसमें अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अपना एडमिट कार्ड देखिए, यहाँ पर जो रोल नंबर के बारे में अपडेट ये है कि रोल नंबर अभी किसी के पास नहीं आया है। यहाँ पर देखिए दिया गया है रोल नंबर इज जनरेटेड एंड इंटीमेटेड टू कैंडिडेट बाई SMS, ठीक है। तो अभी किसी के पास रोल नंबर के लिए मेल नहीं आया है, ना तो किसी प्रकार का SMS आया है। आपके पास एक SMS आएगा या फिर ईमेल आएगा जिसमें आपको अपना रोल नंबर दिया रहेगा, ठीक है। तो वही रोल नंबर आपको यहाँ पर डालना है और इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर डाल के और इसके बाद कैप्चा फिल करके जैसे आप लॉग इन करेंगे तो वहाँ पर आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड का बटन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। हालांकि अभी इसके लिए काफ़ी टाइम है, यानी कि 17 मई तक का टाइम है। और आपके एग्ज़ाम डेट की बात करें तो आपका एग्ज़ाम डेट जो है वो 17 मई को आपको एग्जाम डेट इसका देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम सेंटर के बारे में काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे, तो आपको बता दें ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि जिस प्लांट में आप अप्लाई किए होंगे उसी प्लांट के लिए, क्योंकि मतलब उसी प्लांट में उसी के जो स्टेट है वहीं पर आपको अपना सेंटर भी देखने को मिलेगा। ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी जब आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। तो सेल की तरफ से यही एक अपडेट था, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। काफ़ी स्टूडेंट परेशान थे कि एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड नहीं हो रहा है, रोल नंबर का इशू आ रहा है। तो रोल नंबर का जो सोल्यूशन है यही है कि आपके पास ईमेल पर या फिर SMS के माध्यम से रोल नंबर आएगा, तभी आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। और इसके ऑफिशियल सिलेबस के लिए भी एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाकर आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोवाइड कर दिया है।